गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि मई 2023 में सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, इसकी फिल्मिंग नवंबर 2021 में स्टार्ट हो चुकी थी। मार्वल की फैंस हालांकि श्योरली एक्साइटेड होंगे कि अभी अभी रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर कोई अहम भूमिका निभाएगी गार्जियंस की इस नई मूवी में। इन्हीं सब बातों की आगे बात करेंगे हम लोग, पर उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मूवी मसाला में, जहां मिलेगी आपको मूवी से रिलेटेड फ्रेश और चटपटी खबरें। गार्जियंस की इस तीसरी मूवी के लिए गन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है 2014 में शुरू हुए इस स्टोरी का ये एपिक कंक्लूजन होने वाला है। जेम्स गन ने बताया कि अगर उन्हें ये तीसरी मूवी करने का मौका ना मिला होता तो वे रॉकेट के आर्क को पूरा नहीं कर पाते, जिससे के लिए ये सबसे ज्यादा निराश होते। तो तीसरी फिल्म में रॉकेट से हम लोगों को ज्यादा उम्मीद रखने की संकेत मिल रहे हैं। शायद उसकी पूरी बैक स्टोरी भी हम लोगों को दिखाई जा सकती है। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 शायद से बहुत हैवी इमोशनल मूवी होने वाली है। इसकी पुष्टि करते हुए केरन गिलन जो इस टीम में नेबुला का रोल प्ले करती है, उन्होंने बताया कि जब वे और पॉम क्लेमेंटी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उनकी आंख बेहद नम हो गई थी और वो काफी इमोशनल हो गए थे। हाँ, साथ ही साथ ये काफी फनी भी होने वाली है, जिसके लिए आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि आंसू इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारा कुछ फेवरेट कैरेक्टर इस मूवी में मरने वाला है। मार्वल के थ्रू इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है, गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्क्रीनिंग 5 मई 2023 को की जाएगी, जिसके लिए सभी मार्वल फैंस ने उल्टी गिनती करना शुरू कर दिया है। हम क्रिस प्रैट को स्टार लॉर्ड के रूप में देखेंगे, देव बतिस्ता को ड्रैक्स के रूप में देखेंगे, केरन गिलन को नेबुला के रूप में, ब्रैडली कूपर को रॉकेट के रूप में, विन डीजल को ग्रूट के रूप में और फ्लॉम कमेंटीव को मेंटिस के रूप में देखेंगे। एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद जोई साल्डाना को फिर से गमोरा के रूप में देखेंगे। हमने सोचा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा को मार दिया गया था, लेकिन एंड गेम ने 2014 में पिछली टाइमलाइन से एक गमोरा दिखा दी, जिसे 2023 में आगे लाया गया और टोनी स्टार्क के स्नैप के बाद कहीं खो गई थी। एक व्यक्ति जिसे हम निश्चित रूप से नहीं देख पाएंगे, हाँ अगर फ्लैशबैक्स को छोड़ दे, तो वो है योंडू के रूप में माइकल रूकर, जिन्होंने दूसरी फिल्म में स्टार लॉर्ड को बचाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। फिल्मिंग इज नियर टू एंड, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पहली फुटेज या टीज आने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग गार्जियंस की इस थर्ड इंस्टॉलमेंट और कंक्लूजन पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।